और इसके लिए आजाद समाज पार्टी को ताकत मिलनी जरूरी है। लोकतंत्र में जिनके पास ताकत होती है उनके पास पॉलिसी बनाने की ताकत होती है, जिनके पास राजनीतिक ताकत होती है वो पॉलिसी बनाते हैं, अपने लोगों के हक अधिकार की रक्षा करते हैं, तो वो हक अधिकार रक्षा करने वाला। दोस्तों आज हमारे साथ है आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद जी, भोपाल में झीलों की नगरी। बहुत बहुत स्वागत है सर आज आपका भोपाल में। आज भोपाल में आप क्यों आए हैं? भोपाल में आज क्योंकि आजाद समाज पार्टी यहाँ चुनाव लड़ रही है। 115 सीटों पे हमारे प्रदेश के लोगों ने प्रत्याशी घोषित की है, तो उनका उनका एक हौसला और हिम्मत बढ़ाने के लिए जो नए साथी ज्वाइन कर रहे थे उनको ज्वाइन करा के और उनको आगे के लिए दिशा निर्देश देने के लिए मैं आया था। मुझे उम्मीद है इस बार आजाद समाज पार्टी अच्छा काम यहाँ करेगी, क्योंकि 12 फरवरी को भोपाल में जब हमने रैली की और सरकार के सामने बहुत सारी समस्याओं को रखा, सरकार ने उनको समस्या नहीं माना। कमजोर किसान कमेरों की समस्या है, नौजवानों की, दलित पिछड़े मुसलमानों की समस्या को सरकार समस्या नहीं समझती है। जनहित के जितने भी मुद्दे हैं जिन पर सरकार को कदम उठाना चाहिए उठाए नहीं गए हैं, तो मैं मानता हूँ जो सपने हमारे दिलों में हैं उनको हम लोग आज़ाद समाज पार्टी के जरिए ही पूरा करेंगे, और इसके लिए आज़ाद समाज पार्टी को ताकत मिलनी जरूरी है। लोकतंत्र में जिनके पास ताकत होती है उनके पास पॉलिसी बनाने की ताकत होती है, जिनके पास राजनीतिक ताकत होती है वो पॉलिसी बनाते हैं, अपने लोगों के हक अधिकार की रक्षा करते हैं, तो वो हक अधिकार रक्षा करने का अवसर जो है आजाद समाज पार्टी को मिला, इसलिए हम लोग यहाँ मजबूत चुनाव लड़ रहे हैं। समाजवादी पार्टी के प्रदेश लेवल के नेता आपकी पार्टी में शामिल हुए, इसके बारे में क्या कहना? हाँ, उन्होंने आजाद समाज पार्टी में आस्था जो है व्यक्त की है और मैं उनका धन्यवाद देता हूँ, और उनका जो उम्मीद और जो उनका उनका सम्मान है उसका हम लोग ख्याल। हाँ, आजाद समाज पार्टी कितनी सीटों पर विजय हासिल कर रही है इस बार? भविष्यवाणी का काम जो है ये मेरा है नहीं, हम लोग मेहनत करेंगे, परिणाम आगे उसका सामना करेंगे।